और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां बारिश के बाद बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने से करंट दौड़ गया। शॉर्ट सर्किट के बाद पटाखे की तरह तार एक के बाद एक विस्फोट करने लगे। जोधपुर के ब्रह्मपुरी चांदपुर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर ब्रह्मपुरी बिचलाबास चांदपुर इलाके में शॉर्ट सर्किट हुआ है और इस दौरान पहली बारिश में डिस्कॉम की पोल खुल करके सामने आ गई। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे शॉर्ट सर्किट के बाद यहां पर अंगारे निकलने लगे सरयाम और इलाके की बिजली गुल हो गई। तो वहीं जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पहली बारिश में नगर निगम की भी पोल खुलकर के सामने आ गई है। बारिश के बाद सड़कों पर नालों का पानी भर गया। पिछले एक घंटे से जोधपुर में बारिश हो रही है और शहर के भीतरी इलाके की गलियों में पानी भर गया। हर बार निगम ये दावे करता है कि नालों की सफाई हो गई, लेकिन खानापूर्ति होती है और पहली बारिश में यह साफ हो जाता है कि खानापूर्ति किस तरीके से आम लोगों पर भारी पड़ रही है। ये पानी देखिए, पूरा का पूरा गंदा पानी नालों का सड़कों पर आ गया, जगह जगह जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई और ऐसे में निगम के दांव की पोल खुलकर के सामने आ गई है। ना केवल दांव की पोल बल्कि निगम के जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी नौकरी भी सामने आ गई है कि किस तरीके से वे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित टनल के अंदर बस की स्टेयरिंग फेल हुई है और अनियंत्रित होकर के बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार को रोनते हुए रेलिंग से टकराई है बस और इसके बाद रुकी है। हादसे में बाइक चालक चेतराम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में बस में सवार 6 लोगों को मामूली चोटें आने की खबर मिल रही है। बहरहाल इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से यहां पर बस का जो स्टीयरिंग है वो फेल हुआ और उसके बाद बस अनियंत्रित होकर के चल पड़ी। एक बाइक सवार को रोनते हुए रेलिंग से टकरा करके बस रुकी है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उधर अलवर के टैला इलाके में डेरा बाछड़ी, जयसिंहपुरा समेत बामनवास, चौगान और डुमेड़ा आदि गांव में बुधवार दोपहर को एक घंटे तक तेज बारिश हुई है और इसके चलते नदी नालों जोड़ों में पानी की अच्छी आवक हुई है। अलवर की तस्वीरें हैं। तो महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ रूम में पानी भर गया, पूरा का पूरा स्कूल परिसर देखिए पानी पानी हो गया। प्रधानाचार्य बैठे हैं, साइड में झरने चल रहे हैं और ये स्कूल का नजारा है, किसी झरना स्थल का नजारा नहीं है। आप ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है सरकार का, जिसकी पोल खुल गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक गिरिराज प्रसाद शर्मा ने जानकारी दी कि तेज बारिश की वजह से पहाड़ का पानी खेतों से ओवरफ्लो होकर के यहाँ पर स्कूल तक पहुँच गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे 5 का प्रहार, बड़ी डिबेट। नमस्कार।